प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अदरवा सबके बीर। वेलकम टू सत्या पर रील चैनल। आप देख रहे हैं सत्या पर रील चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है अंग्रेजी मीडियम। दरअसल इस पिक्चर काफी अच्छा है। इस पिक्चर में जो मैं लीड रोल कर रहे हैं जो हमारे इरफान खान, जो वाकई काफी अच्छे एक्टर है और काफी दिनों के बाद इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं हिंदी पिक्चरों में, क्योंकि बेचारे बीमार थे और कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और वापस अब फिल्मों में आगे एक्टिंग करने के लिए, हम सबको मनोरंजन करने के लिए। इसके पहले पिक्चर एक्टिंग कर चुके हैं जिसका नाम है हिंदी मीडियम। बस उसी तरह इस पिक्चर को डायरेक्टर ने निकाला है अंग्रेजी मीडियम। जैसे पिक्चर काफी अच्छा है। इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा एक बाप और बेटी का रिश्ता, जो सच्चा प्यार, एक ममता जो बाप अपने बेटी के लिए करता है, उसकी पूरी मेहनत लगा देता है कि बेटी की पढ़ाई अच्छी तरह, उसकी सपना पूरा हो, उसके सपना पूरे करने में लगा रहता है। जैसे इरफान खान होते हैं, उनकी बेटी की रोल कर रही है वह राधिका मदन। तो इस पिक्चर में स्कूल स्टूडेंट की तरह होती है और उसके बाद वो अपनी उच्च कक्षा के लिए वो विदेश जाना चाहती है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो जैसे परिवार में थोड़ा एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है जिसमें दीपक दबुरियाल उनके भाई के रोल कर रहे हैं, और जैसे उनका एक फैमिली बिजनेस होता है, एक फैमिली मिठाई का दुकान होता है, वो केस लड़ते हैं और दीपक दबुरियाल जीत जाते हैं जज को थोड़ा रिश्वत देके। और इस बात को जान लेते हैं कि कुछ शरद, और ये बात जाके कह देते हैं हमारे इमरान खान को। बस इस तरह होता है और स्टोरी चलता है और दोनों फिर आपस में एक साथ मिलते हैं दोनों भाई, और पूरी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं अपनी इरफान खान की बेटी को कि किसी भी तरह यूके में उनको सीट मिल जाए, उन्हें कॉलेज में उन्हें सीट मिल जाए। इस तरह चलता है स्टोरी। ये पूरी कहानी, इस पिक्चर की कहानी इसी तरह है, यही कॉन्सेप्ट है पूरे पिक्चर का। डायरेक्टर ने काफी अच्छा, होमी अदन जानिया जी, उन्होंने काफी अच्छे डायरेक्ट किया इस पिक्चर को, और काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है और सपोर्टिंग एक्टर जैसे इस पिक्चर में एक्टिंग की है जो है डिम्पल कपाड़िया काफी दिनों के बाद। उनका कुछ खास रोल नहीं है इस पिक्चर में, पर कोई जरूर नहीं है उन्हें इस पिक्चर में दिखाने के लिए, पर वो भी काफी दिनों के बाद पिक्चर में एक्टिंग कर रही है, एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर में एक्टिंग कर रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं, करीना कपूर खान जो इस पिक्चर में एकदम बोल्ड एंड ब्रेव लड़की की तरह दिखाई देते, एक टैक्सी ड्राइवर की तरह यूके में, और काफी अच्छा है प्रेजेंटेशन, दोनों का केमिस्ट्री काफी अच्छा है, इमरान खान का और दीपक दबुरियाल का जो भाई के रोल कर रहे हैं जिनको इंग्लिश आता नहीं है और यूके में जाके फंस जाते हैं उल्टा सुल्टा बल कह के, और इसी तरह कॉमेडी चलता है। और बाप बेटी का जो एक सेंटिमेंटल आपको देखने को मिलता है इस पिक्चर में, वाकई काफी अच्छा है और वाकई देखने लायक है, परिवार के साथ देखने लायक है। इस जैसे लिए मिडिल क्लास फैमिली वालों को काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं तो काफी कितने मेहनत करते हैं, कितने संघर्ष करते हैं, कितने लोन लेते हैं, या घर गिरवी रखते हैं, घर बेच देते हैं अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए। बस यही दिखाया गया इस पिक्चर में। अब जैसे आपको आजकल हिंदी पिक्चर में देखने को मिलेगा जो एजुकेशन रिलेटेड जो भी पिक्चर है बाकी काफी अच्छा चलता है, और स्टोरी भी काफी अच्छा है और काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है। जैसे सुपर 30 हुआ, बाकी काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, हिंदी मीडियम हुआ वो भी काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, काफी अच्छा एक्टिंग है इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। इरफान खान केमिस्ट्री और हमारे दीपक दबुरियाल की केमिस्ट्री काफी अच्छा बैठा है और काफी अच्छा है पिक्चर, देखने लायक है परिवार के साथ, मुझे तो काफी अच्छा लगा। अगर आपको पिक्चर अच्छा लगा तो पिक्चर जरूर जाके थिएटर में देखेगा और जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे तो काफी पिक्चर अच्छा लगा, मैं तो इसे 3 स्टार दूंगा इस पिक्चर को। अगर आपको कैसा लगा पिक्चर थिएटर में जाके देखेगा और कमेंट्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सत्या भैरव चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ, वीडियो अपलोड करूँ, रूबरू आपको खबर होता रहेगा। टिल देन फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।